अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया, उन बच्चों का चैनल जो केमिस्ट्री समझकर पढ़ना चाहते हैं। रट्टे वालों के लिए है कोई और चैनल। सब बोले 10 टाइम माय पैशन माय केमिस्ट्री। नाउ स्टडी टाइम स्टार्ट्स। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि आपके जो पेपर्स हैं वो आने वाले हैं। हर बच्चा जो है वो बहुत मेहनत कर रहा है। हम बेसिकली मेहनत इसलिए करते हैं ताकि हमारे नंबर अच्छे आ जाएं, हमारे पेरेंट्स जो हैं वो खुश हो जाएं, हम टॉप कर जाएं अपने स्कूल के अंदर, अपने डिस्ट्रिक्ट के अंदर। और मेहनत करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही चीज़ है कि हम कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ें, हम सारी चीज़ें याद करके जाएँ पेपर के अंदर, हम पहले से सब कुछ चॉइस में ना छोड़ें। हमारी पहली कोशिश यही होनी चाहिए कि हम अच्छी तरह याद करें, सारी चीज़ें याद कर जाएँ, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, ठीक है, हर चीज़ की प्रैक्टिस करें, पास्ट पेपर सॉल्व करें, गेस पेपर देखें, हर एक चीज़ को तैयार करके जाएं, तभी हमारे मार्क्स आएंगे और उसके बाद फिर आपकी लक होती है। आज हम चैप्टर नंबर 16 स्टार्ट करेंगे और इसके देखेंगे गेस पेपर और एनालिटिकल क्वेश्चन। मैंने अपनी सारी सीरीज़ जो है वो कम्प्लीट कर ली है, आज हमारा ये लास्ट लेक्चर है। अगर कोई बच्चा जो है वो वीडियो ये वाली देख रहा है, उसने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप वो प्रीवियस वीडियो भी लाजमन देखो, ताकि आपको पता चल जाए कि हमने किस तरह अपने चैप्टर्स जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं। तो बच्चों, लेक्चर से करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि नई आने वाली वीडियो अब तक फ़ौरन पहुँच जाए। ओके बच्चों, आज के जो हमारा चैप्टर है उसका नाम है केमिकल इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज में सबसे पहले तो हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर बेसिकली उन्होंने आपको पूरे चैप्टर का बताया हुआ है कि चैप्टर के अंदर हमने चीज़ें डिस्कस कौन सी करनी है, ठीक है। उन्होंने बताया कि किस तरह हम ओर को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मेटल्स किस तरह हमारे पास ओर के अंदर कन्वर्ट होते हैं, मेटल्स की क्या फंक्शनिंग है, ठीक है, कितने टाइप ऑफ कंपोनेंट्स जो हैं वो हम केमिकली सिंथेसाइज करते हैं। दो यहाँ पर लिखे हुए हैं, एक बेकिंग सोडा लिखा हुआ है और एक वाशिंग सोडा लिखा हुआ है, ठीक है। वाशिंग सोडा और बेकिंग सोडा दोनों के आपको फॉर्मूलाज आने चाहिए, ठीक है, सिंपलर फॉर्मूला जो होते हैं हमारे पास, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया हुआ है कि हमारे पास पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो थी वो कितनी सक्सेसफुल है और पाकिस्तान के अंदर उसका क्या स्कोप है। देन बच्चों, उन्होंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है कि पाकिस्तान एट अ टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस उसके पास कितनी इंडस्ट्रीज थी और उसके बाद कैसे पाकिस्तान ने थोड़ी सी प्रोग्रेस की और इंडस्ट्रीज जो है वो केमिकल इंडस्ट्रीज जो थी वो इस्टेब्लिश हुई। उसके बाद सबसे पहले जो आता है बेसिक मेटलर्जिकल ऑपरेशन, ठीक है। मिनरल्स और ओर्स की डेफिनेशन तो आपको लाजमन ही आनी चाहिए कि मिनरल्स क्या होते हैं और ओर्स क्या होते हैं, ठीक है। ये डेफिनेशन ऐसी हैं केमिकल इंडस्ट्री के स्पेसिफिकली मैं हवाले से कहती हूँ कि ये आपके आगे बीएस तक, एमएस तक हर जगह आपके ये काम आएंगी, ठीक है। तो ओर्स के अंदर सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है ओर्स ऑफ कॉपर, कॉपर ग्लैंस, चालकोपाइराइट, ठीक है। ये दो कॉपर की ओर्स हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर इसमें से शॉर्ट आ जाता है। आपने इसका जो है वो फॉर्मूला भी याद करना है दोनों का, ठीक है, डिफरेंस देखना है क्या फॉर्मूले के डिफरेंस है और इनके नाम क्या है, ठीक है। शॉर्ट में भी आ जाता है, एमसीक्यूज में भी आ जाता है। देन है आपके इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है ये, ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स पर उन्होंने बताया हुआ है। बेसिकली आपने देखा होगा कि जब हम पीरियोडिक टेबल देख रहे होते हैं तो कुछ एलिमेंट्स जो होते हैं वो दरमियान में होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट सीरीज है, सेकेंड है, उसके बाद ये थोड़े से नीचे क्या होते हैं, लोअर साइड पर होते हैं, गिर जाते हैं, फिर दोबारा स्टार्ट होते हैं। जो ये एलिमेंट होते हैं ना, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है, ठीक है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। अब उन्होंने बताया कि जो हमारे पास ह्यूमन के जो डिफरेंट हेयर कलर्स होते हैं वो इन ट्रांजिशन कंपाउंड्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर किसी बंदे के जो है ब्राउन हेयर कलर है तो उसके ऊपर आयरन या कॉपर कंपाउंड ज्यादा होंगे उस बंदे के अंदर, इस वजह से होते हैं। ये जो आप देख लो, आप डाई करते हो, आपने देखा होगा कि लोग अक्सर अपने हेयर्स को डाई कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट कलर्स के साथ। तो बेसिकली उसके अंदर जो केमिस्ट्री होती है वो कौन सी इन्वॉल्व होती है, वो होती है ट्रांजिशन कंपाउंड्स की। अब कोई रेड हेडेड बंदा है तो उसके क्या होंगे, उसके अंदर मोलिब्डेनम कंपाउंड्स होंगे वो ज़्यादा होंगे। उस पर उन्होंने डिफरेंट मेटलर्जिकल आपको टर्म्स बताई हुई है, मेटलर्जी के बारे में बताया हुआ है। उस पर उन्होंने मोस्ट इंपॉर्टेंट उन्होंने बताया है कि हम किस तरह एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कर सकते हैं प्योर स्टेट के अंदर फ्रॉम इट्स ओर। अब उसके तीन स्टेप हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर, एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल एंड रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूँ इसे स्टार्ट करने से पहले टॉपिक, कि आपने ध्यान से देखना है कि ये स्टेप जो है वो हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर के अंदर है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल के अंदर है, ठीक है। मेटलग्री का एक ही ये प्रोसेस है पूरा का पूरा, लेकिन आपने ये देखना है कि ये स्टेप जो है वो किसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। ये ना हो कि वो आपको कंस्ट्रक्शन ऑफ द ओर के स्टेप्स दें, मींस कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द ओर कैसे आप कर रहे हो, आप उसके अंदर एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल के स्टेप्स लिखा हो, ठीक है। तो इसको गौर करना है। अब देखो, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ द ओर का सबसे पहला स्टेप है ग्रेविटी सेपरेशन। मैं आपको इसके डिटेल नहीं बताने बैठ जाऊंगी क्योंकि आपने ये पढ़ा हुआ, डेफिनेटली मैं आपको सिर्फ ओवरव्यू दे रही हूँ। ग्रेविटी सेपरेशन है, उसके बाद हमारे पास डायग्राम लाजमन करनी है, ठीक है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन है। ये हमारे पास तीन ऐसे मेथड हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ द ओर कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसके तीन स्टेप जो है वो क्लियर हो गए हैं। देन जो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम द कंसंट्रेटेड ओर, ठीक है। उसके अंदर हमारे पास आती है रोस्टिंग और स्मेल्टिंग।
उसके बाद सी पर आता है बेसिमराइजेशन। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर मैंने इसलिए आपको सेपरेटली एक्सप्लेन किया है कि आपको ये सेपरेटली भी आ सकता है और एक साथ भी आ सकता है। वो आपको देख सकते हैं कि स्मेल्टिंग के ऊपर नोट लिखे, ठीक है, रोस्टिंग शॉर्ट में भी आ सकता है। अब इससे कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है, ये मैं आपको बार बार इसलिए समझा रही हूँ कि अक्सर बच्चे इसमें गलती कर आते हैं। सारे जो स्टेप्स हैं वो किस चीज़ के हैं, वो एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल के ही हैं, और से आपने मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, सारे स्टेप उसी के हैं। फ़र्क इतना आ रहा है कि जो हमारे पास मेन स्टेप्स है ना, उनके आगे डिफरेंट स्टेप है। अगर आपने क्या करनी है, कॉन्सनट्रेशन ऑफ द ओर मीन्स के आपने ओर से फाइंड करना है, और देखने कितनी उसकी कॉन्सनट्रेशन है, कितनी हमारे पास ओर जो है वो प्रेजेंट है, तो हमारे पास तीन स्टेप आएंगे, ठीक है। और उन तीन स्टेप का नाम है ग्रेविटी सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन, ठीक है। अब इसमें शोर में भी आ सकता है, लो में भी आ सकता है। दोबारा बता रही हूँ, डायग्राम मिस नहीं करनी है, डायग्राम लास्ट मन करनी है। और अगर उन्होंने कह ये हमारे पास हो गया, ठीक है, मैग्नेटिक सेपरेशन तक हमने अपनी ओर जो फाइंड कर ली है, अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास ओर आई है उसमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है। अब उसके तीन प्रोसेस है, आप रोस्टिंग के थ्रू कर लो, केमिकल रिएक्शन मिस नहीं करना। मैंने कल भी बताया था केमिकल रिएक्शन कैसे आ सकता है कि आपको कोई सब्सटेंस उन्होंने यहाँ से मिसिंग दिया हो और पूरा रिएक्शन लिखा हो, और कहेंगे यहाँ पर कौन सा सब्सटेंस आएगा, H2O वाटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कोई भी कंपाउंड का नाम MCQs में दे सकते हैं, शोर में भी दे सकते हैं। और स्मेल्टिंग है, स्मेल्टिंग की भी डायग्राम लाजम करनी है। मैं फिर बता रही हूँ कि डायग्राम जो है वो घर से प्रैक्टिस करके जानी है, ठीक है, पेपर में जाके गंद नहीं मारना, घर से बहुत बार प्रैक्टिस करके जानी है ताकि आपके हाथ की जो है वो स्पीड खुल जाए और आपको ड्रॉ करनी आ जाए। देन है बेसिमराइजेशन, इसके भी रिएक्शन लाजमी करने हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। बैलेंसिंग, यही वाले रिएक्शन करने हैं, अपने पास नहीं कहना कि बस C2 इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, नहीं, इन्होंने बैलेंस करके लिखे हुए हैं, आप अभी छोटे हो, आपसे बैलेंस नहीं होने रिएक्शन, तो इनको ही वर्ड टू वर्ड याद करो। देन बच्चों है रिफाइनिंग और द प्योरिफिकेशन ऑफ द मेटल, ये हमारे पास सबसे ज़्यादा लास्ट स्टेप है कि अब हमने मेटल जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया है, ठीक है, अपने तीन प्रोसेस के थ्रू, रोस्टिंग, स्मेल्टिंग और बेसिमराइजेशन के थ्रू। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास मेटल आया, जारी बात है उसके अंदर इंप्योरिटीज होंगी, ठीक है, 100% तो नहीं ना कोई मेटल जो होता है, कोई भी सब्सटेंस प्योर होता है, अब इसके अंदर इम्प्योरिटीज़ हैं। अब हमारा मेन पर्पज़ है कि हमने अपनी इम्प्योरिटीज़ को क्या करना है, रिमूव करना है, उसको क्लीन करना है। अब उसके लिए जो हमारे पास मेथड है वो है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। एग्जाम्पल उन्होंने कॉपर के दिए क्योंकि हम कॉपर के हमने पढ़े कि ओर्स क्या हैं और सारा उसका प्रोसेस है, ठीक है, इसलिए रिएक्शन भी कॉपर के उन्होंने दिए हैं। समझ लो आपकी ये कॉपर के प्रोसेस के थ्रू आपने अपना मेटल ओर से आपने मेटल निकाला है कॉपर, देन आपने रिएक्शन देखना है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है, सॉरी डायग्राम जो है ये मिस नहीं करनी है, ठीक है। उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि हमारे पास इम्प्योर कॉपर है, एनोड है। अब आपको पता है कि ये एनोड और कैथोड का प्रोसेस, हमने इलेक्ट्रोप्लेटिंग पढ़ा था ना कि किस तरह हमारे पास 9th के अंदर हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ा था कि किस तरह एक मेटल जो होता है दूसरे मेटल के ऊपर डिपॉजिट होता है उनके रिडक्शन पोटेंशियल के हवाले से, वो सारा कॉन्सेप्ट उन्होंने यहां पर दिया हुआ है। अब मैं आपको यहां पर समझा तो नहीं सकती पूरा का पूरा टॉपिक, अब हम रिवीजन ही कर रहे हैं और अपने सिर्फ एनालिटिकल क्वेश्चंस देख रहे हैं और साथ गैस पेपर, ठीक है, तो इसके थ्रू हमारे पास जो का वो आ जाएगा। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लो शीट है, ठीक है, आपको अगर वो दे रहे हैं ना एक्सट्रैक्शन ऑफ ओर के ऊपर क्वेश्चन, ठीक है, तब भी आपने फ्लो शीट बनानी है। अगर वो आपको सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ओर के ऊपर दे रहे हैं तब भी आपने फ्लो शीट बनानी है। अगर वो आपको सिर्फ रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर के ऊपर दे रहे हैं तब भी आपने फ्लो शीट बनानी है। किसी भी तरह का क्वेश्चन आ गया, फ्लो शीट इज द बेसिक एंड नेसेसरी पार्ट, ठीक है। अब देखो यहां से कितने ज्यादा एमसीक्यूज बन सकते हैं। अब आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे पास रस्टेड ओर का फॉर्मूला क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि रस्टेड ओर जो होती है वो कॉम्बिनेशन होती है किस चीज की, Cu2S की और FeS की, ठीक है। अब जब उसके बाद उसकी सीमेंटिंग करते हैं, मीन्स के रिमूवल ऑफ इंप्योरिटीज एज स्लैग, यहाँ पर आपकी रीडिंग के अंदर लिखा हुआ है कि स्लैग क्या होती है और मैटर क्या होती है, ठीक है, आपने देख लेना है वहां से। अब उसके बाद फिर हमारे पास स्मेल्टेड ओर बन जाता है। आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए कि स्मेल्टेड ओर का फॉर्मूला क्या होता है। अब आप इसे पूछ सकते हैं, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लिस्टर कॉपर क्या होता है या उसकी कितनी परसेंटेज होती है। तो 98% जो होता है वो हमारे पास कॉपर जो होगा वो ब्लिस्टर कॉपर होगा, ठीक है। और वो किस तरह आता है, अब बेसिमराइजेशन के थ्रू आता है, रोस्टिंग के थ्रू आता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द फ्रोथ फ्लोटेशन के आती है, इलेक्ट्रोफाइनिंग के थ्रू आता है। तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो ब्लिस्टर कॉपर होता है वो स्मेल्टेड ओर की बेसिमराइजेशन के थ्रू आता है, ठीक है। ये स्टेप इसलिए फ्लो शीट का मैं कह रही हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर उन्होंने सारे सम अप किया होता है सारे डिस्कशन को। देन टेस्ट सेल बच्चों आपने मिस नहीं करनी है। मैनुफैक्चर ऑफ द सोडियम कार्बोनेट बाय सॉल्वेंट प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने जनरल रिएक्शन दिया है, प्रिंसिपल क्या है। सबसे पहले जब भी आपने सब क्वेश्चन आ गया, आपसे कह रहे हैं कि आप मैनुफैक्चरिंग ऑफ सोडियम कार्बोनेट लिखो सॉल्वेंट प्रोसेस, ये आ सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हेडिंग देनी है प्रिंसिपल की, किसी भी इस तरह के क्वेश्चन को मैनुफैक्चरिंग के अंदर या कोई भी क्वेश्चन होता है वो आपके प्रिंसिपल के बगैर क्या होता है, अधूरा होता है। आपने पहले बताना है कि क्या हमारा प्रिंसिपल है, हम किस तरह इस प्रोसेस को रन कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारे पास सोडियम जियोलाइट जो है वो रिएक्ट करता है कैल्शियम
सल्फेट के साथ, और फिर हमारे पास कैल्शियम ज्वेलेट बनता है और सोडियम कार्बोनेट हमारे पास बन रहा है। अब रॉ मटेरियल्स क्या है इसके, रॉ मटेरियल्स हमारे पास ये हैं सोडियम क्लोराइड और ब्राइन, ठीक है, लाइम स्टोन है हमारे पास और अमोनिया गैस है, ये हमारे पास मेन कॉम्पोनेंट्स हैं इस चीज़ के, बेसिक रिएक्शन क्या है। अब इसमें आपको अगर लॉन्ग आ गया तो फिर तो आपने सारा लिखना है। अब शॉर्ट में आपको कैसे आ सकता है, शॉर्ट में आ सकता है कि आप कैल्सिनेशन क्या होती है, आप बताओ कैल्सिनेशन, डिफाइन कैल्सिनेशन, तो आपके जहन में फौरन क्लिक करना चाहिए कि कैल्सिनेशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था कि इसके अंदर सोडियम बायकार्बोनेट की फॉर्मेशन के अंदर मैनुफैक्चर के अंदर थ्रू सोलवेंस प्रोसेस, ठीक है। अब इसके अंदर पूछ सकते हैं कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन, हाउ विल यू प्रूव कार्बोनेशन ऑफ अमोनिकल ब्राइन एंड हाउ अमोनिकल ब्राइन इज कार्बोनेटेड, कार्बोनेशन का मतलब क्या होता है, CO2 की एडिशन, ठीक है। उसके बाद उन्होंने प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लेक लाइम पूछ सकते हैं कि हमारे पास हाउ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड स्लेक लाइम इज प्रिपेयर्ड थ्रू सॉल्वेंस प्रोसेस, ये हमारे पास इसके बायो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। प्रोडक्ट्स जो होते हैं जो हमारे पास मेन कंपोनेंट होते हैं बायो प्रोडक्ट्स, जो कि रिएक्शन के अंदर हमारे पास निकल रहे होते हैं बाहर, तो इसके अंदर हमारे पास स्लेक लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है हमारे पास इसके बायो प्रोडक्ट्स हैं। देन बच्चों अमोनिया रिकवरी टावर, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो आपसे पूछ सकते हैं कि सोलवे प्रोसेस के अंदर अमोनिया रिकवरी टावर का क्या काम होता है, ठीक है, ये आपने लाजमन देखना है, पूरा लॉन्ग क्वेश्चन तो आपने करना है। मैं इस वजह से आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर भी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बताती हूँ कि अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ गया तो आपने कैसे उसको अटैम्प्ट करना है, और फिर मोस्ट नेसेसरी फ्लो शीट डायग्राम आपने मिस नहीं करनी है, ठीक है। कोई भी शॉर्ट में आ गया तो आप उसको थोड़ा सा देख सकते हो, मिस कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर नेसेसरी नहीं होती है, आप सिर्फ एक पार्ट ही ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको अमोनिया रिकवरी टावर के ऊपर नोट आ रहा है तो फिर ठीक है, आप सिर्फ इतना सा पार्ट लिख दो उसकी डायग्राम के अंदर, ठीक है। देन बच्चों एडवांटेजेस ऑफ सॉल्वेंस प्रोसेस, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने लिखा हुआ है कि हमारे पास पाकिस्तान के अंदर क्या उसका स्कोप है और सब कुछ क्या है, तो ये सब क्वेश्चन अक्सर आपको आ सकते हैं, ये एनालिटिकल और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन को कहा जाता है, तो आपसे पूछ सकते हैं पाकिस्तान में कितना इसकी रिकमेंडेशन है, कितनी इसकी कमांड है, कितना हमारे पास हम यूज कर रहे हैं और कहाँ कहाँ इसके हमारे पास इसके जखायर मौजूद हैं, कहाँ इसके रॉ मटेरियल्स हैं, ठीक है। तो आप इसको एक दफा पढ़ लेना, टेस्ट सेल भी लास्ट मंथ करनी है। देन है रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन द प्रोडक्शन ऑफ कॉमन केमिकल्स, आप इसको एक दफा देख लेना, इतना कुछ खास नहीं इसमें लिखा हुआ। देन है मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया, उसके रॉ मटेरियल्स क्या क्या है हमारे पास, ठीक है। अमोनिया कैसे होता है हमारे पास, प्रिपेयर विद बाय हैबर्स प्रोसेस, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि हैबर प्रोसेस के थ्रू आप अमोनिया प्रिपेयर करो, हो सकता है वो आपको दे दें क्वेश्चन के प्रिपेयर अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस एंड राइट अ नोट ऑन हैबर्स प्रोसेस, तो आपको पता होना चाहिए कि जरूरी है कि आपको यही दे मैन्युफैक्चर ऑफ यूरिया, तो आपने फिर पूरा क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। वो आपको दे सकते हैं राइट अ नोट ऑन हैबर्स प्रोसेस। रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर जो हमारे पास ये सब्सटेंस उन्होंने लिखे हुए हैं ये भी लाजमन करने हैं आपने, प्रोसेस है, ठीक है। रिएक्शन ऑफ अमोनियम कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम कार्बोनेट हमारे पास बनता है, यूरिया की फॉर्मेशन होती है, ग्रेनुलेशन ऑफ द यूरिया होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्लो शीट, ठीक है, इसको मिस नहीं करना। शॉर्ट में आए कि लॉन्ग में आए, इसकी डायग्राम लास्ट में बनानी है, और अक्सर बच्चों ऐसा होता है कि वो सिर्फ आपको फ्लो शीट ही दे देते हैं शॉर्ट के अंदर, ठीक है। वो कहते हैं कि डिफाइन करें, राइट करें इसकी फ्लो शीट डायग्राम बनाएं, इसके कैसे आप सेंसिस करोगे अमोनिया की, कैसे सेंसिस करोगे सोडियम बाइकार्बोनेट की, ठीक है। तो आपने इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको देखना है। देन इंपॉर्टेंस एंड स्टेटस ऑफ यूरिया, ठीक है, ये भी आपने लास्ट मंथ देखना है, कैसे कैसे हमारे पास इंडस्ट्रीज के अंदर यूज होता है हमारे पास, उसके अलावा इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। जारी बात है फर्टिलाइजर है, इतने इसके अंदर टॉक्सिक केमिकल्स हैं हमारे पास, तो ये जारी बात है हमारे पोल्यूशन हमारे पास काज कर रहा है। और उन्होंने बाद में उसको बताया कि 6 यूरिया मैन्युफैक्चरर हमारे पास पाकिस्तान के अंदर, सारे इनके नाम याद करने हैं, ठीक है, और कितनी परसेंटेज इनकी इन्वॉल्व है, कितने परसेंट मार्केट में शेयर करें, ये भी देखने हैं, ठीक है। इनको लास्ट में देखना, ये नहीं करना कि ये तो आना ही नहीं है, क्यों नहीं आना भाई, पेपर का आपकी बुक का पार्ट है, ये आना ही आना है। देन हमारे पास टेस्ट योर सेल्फ है, उसके बाद हमारे पास उन्होंने बताया कि क्रॉप्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन को ज्यादा लेते हैं, आपको पता है नाइट्रोजन हमारे पास 78% एटमॉस्फेयर के अंदर होती है। अब इसके अंदर जो यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, आपने हो सकता है बायो के अंदर पढ़ा हो कि नाइट्रोजन जो होते हैं वो प्लांट डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, ठीक है। प्लांट जो होते हैं वो नाइट्रोजन साइकिल के थ्रू जो होते हैं अपनी नाइट्रोजन को क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं, उसके अंदर एसिमिलेशन होती है हमारे पास प्रोसेस, आपने शायद पढ़ा हुआ, आई थिंक सो कि आपने वो पढ़ा हुआ है टॉपिक नाइट्रोजन साइकिल वाला बायोलॉजी के अंदर, ठीक है। उसके थ्रू जो प्लांट्स होते हैं वो अपने क्या करते हैं, नाइट्रोजन नीड को पूरा करते हैं बाय डिफरेंट बैक्टीरिया, टाइट्रोसोमोनास, टाइट्रोबैक्टीरिया, ठीक है, ये सारे एंजाइम्स जो होते हैं बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं इस प्रोसेस के थ्रू, ठीक है। देन बच्चों उन्होंने नेचुरल फर्टिलाइजर के बारे में बताया और उसके बाद उन्होंने केमिकल फर्टिलाइजर्स के बारे में बताया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप किस तरह डिस्टिंग्विश करोगे नेचुरल फर्टिलाइजर को और केमिकल फर्टिलाइजर को, ये भी पूछ सकते हैं कि आपके नज़दीक नेचुरल फर्टिलाइजर ज़्यादा अच्छे हैं या केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा अच्छे हैं। तो जाहिर बात है हमारे पास नेचुरल फर्टिलाइजर हमारे पास ज़्यादा अच्छे हैं, फर्क सिर्फ इतना आता है कि नेचुरल फर्टिलाइजर जो होते हैं या ऑर्गेनिक चीज़ें जो होती हैं वो बहुत टाइम टेकिंग होती हैं, ठीक है, वो टाइम लेती हैं अपना असर दिखाने के, लेकिन ह्यूमन जो होते हैं, जो इंसान होते हैं, आपको पता है वो कितने जल्दबाज होते हैं, वो चाहते हैं जल्द जल्द हमारे पास क्रॉप्स आ जाए, हमारे पास हम जल्द जल्द उससे मुनाफा हासिल करें, प्रॉफिट लें, इसलिए जो होते हैं
हो जाता है सिंथेटिक फाइबर्स यूज फर्टिलाइजर यूज करते हैं। अब केमिकल फर्टिलाइजर यहाँ पे डिसएडवांटेज आई थिंक सो लिखे हुए हैं, वरना मैं आपको एक दफा बता देती हूँ। इसे देखें क्या होता है, सिंथेटिक फर्टिलाइजर होते हैं वो इंडस्ट्रियल सेंसाइज होते हैं, ठीक है। उन्होंने आपकी सोइल की प्रोडक्शन को तो इंक्रीज कर देना है, मीन्स आपको क्रॉप जल्दी देने हैं, लेकिन उसके बाद आपकी सोइल को खराब कर देना है। सोइल के अंदर जो नेचुरली प्रेजेंट आपके फर्टिलाइजर्स हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं, उनकी जो होती है कंस्ट्रक्शन कम हो जाती है, हमारी सोइल जो होती है वो रफ हो जाती है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम जब वीट जो होते हैं उसको फर्टिलाइज करते हैं, वीट को हासिल करते हैं, कल्टिवेट करते हैं, तो क्या होता है उसके बाद जो सोइल होती है वो बहुत ज़्यादा खराब हुई होती है, ठीक है। तो फिर जो फार्मर्स होते हैं उसको फिर उसके फर्टिलाइजर देते हैं, और बार बार सोइल के ऊपर सिंथेटिक फर्टिलाइजर अप्लाई करने की वजह से क्या होता है, सोइल की जो कंसंट्रेशन होती है, सोइल जो होती है वो खराब हो जाती है, और उसके ऊपर फिर नेचुरल फर्टिलाइजर कोई भी काम नहीं करता है। इसलिए घरों में जो होते हैं वो ज़्यादातर क्या प्रेफर करते हैं कि हम कंपोस्ट वगैरह यूज़ करें, ठीक है, एनिमल्स डंग यूज़ करें। ये क्या है, ये हमारे पास नेचुरल फर्टिलाइजर है, ये लाजमन देख लेना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आजकल ट्रेंड में है कि पोल्यूशन है हमारे पास, आपको पता है स्मोग है, ये इस सारे क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। देन बच्चों हमारे पास है पेट्रोलियम इंडस्ट्री, पेट्रोलियम भी डेफिनेट क्या करनी है, ओरिजिन ऑफ पेट्रोलियम देखने की, ये लिंक कर रहा है आपके हाइड्रोकार्बन के साथ। हमने देखा था ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर किस तरह हमारे पास फ्रैक्शन डिस्टिलेशन हो रही थी, तो ये टॉपिक उससे लिंक कर रहा है। आपको समझ नहीं आया तो आप लोग वहां से भी देख सकते हो। देन बच्चों उन्होंने बताया हुआ रिफाइनिंग क्या होती है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन क्या होती है, इसको आप देख लो। देन बच्चों ये डायग्राम है, डायग्राम भी लास्ट में आपने देखनी है, फ्रैक्शन डिस्टिलेशन पेट्रोलियम अगर आपको लॉन्ग आ गया तो आपने इसको ड्रा करना है, बहुत सिंपल डायग्राम है, इसको ड्रा कर लेना, ठीक है। देन है हमारे पास इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम, अब उन्होंने बताया कि ये हमारे पास फ्रैक्शन है पेट्रोलियम की, फ्यूल ऑयल, डीजल, केरोसिन, गैस, पेट्रोलियम, ईथर, गैसोलाइन और पेट्रोलियम। अब बताना है उन्हें कार्बन की कंसंट्रेशन कितनी है, कितने कार्बन की चेंज होती है यहाँ पर, ये भी लास्ट में देखनी है, कितने टेम्परेचर पर हासिल होती है और कहाँ कहाँ यूज होती है, ये सारा याद करना टेबल, ठीक है। वो आपसे इसमें लॉन्ग में हो सकते हैं पूछ लें, ठीक है। इतना वैसे इतना ट्रिकी आता नहीं है, लेकिन एमसीक्यूज में लाजमन आ सकता है, ठीक है, बुक का पार्ट है, चैप्टर का पार्ट है, आएगा। देन बच्चों उन्होंने यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन दी है डीजल फ्यूल के बारे में, उन्होंने बताया कि जो डीजल फ्यूल होता है ना वो हम विंटर्स में यूज नहीं करते हैं, विंटर्स के अंदर इसकी जो कंपोजिशन होती है वो टोटली डिफरेंट होती है इसका मिक्सचर, जबकि समर के अंदर इसका टोटली डिफरेंट होता है। उन्होंने रीजन ये दिखा है कि हमारे पास जो डीजल फ्यूल होता है विंटर के अंदर थोड़ा सा ना जम जाता है, आप इस तरह समझ लो, ठीक है, मैं सिंपल वर्ड में आपको बता देती हूँ। एग्जाम्पल उन्होंने वेजलिन की दी है, आपको पता है वेजलिन की कंसिस्टेंसी कैसी होती है, ठीक है, वो थोड़ी सी क्या होती है, मॉइस्ट होती है, सॉफ्ट होती है, ठीक है, लेकिन हमने इंजन को रन करने के लिए हमें फ्लूइड चाहिए होता है, ठीक है, फ्लूड चाहिए तो जो रन कर सके हमारे इंजन को, तो इसका का कंसिस्टेंसी वाला तो जम जाएगा हमारे पास, जो हमारे पास इंजन होंगे। इसलिए क्या होता है कि हमारे पास जो डीजल फ्यूल होता है उसकी कंसंट्रेशन या उसका मिक्सचर जो होता है, कंटेंट जो होता है वो डिफरेंट होता है इन रिस्पेक्टिव टू समर एंड विंटर्स, ये आप लोग देख लेना इस चीज़ को। देन टेस्ट योर सेल्फ है, उस पर उन्होंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर रिक्वायर डिफरेंट मेथड टू डिस्टिंग्विश, उन्होंने यहाँ पे बताया कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ फायर होती है, उसको कैसे हम खत्म कर सकते हैं, आप इसको एक दफा पढ़ सकते हो, ठीक है। वुड फायर को कैसे खत्म कर सकते हो, ऑयल फायर को कैसे खत्म कर सकते हो, ये जनरली आपके डेली लाइफ के अंदर आपकी एग्जाम्पल हो सकती है, वो आपसे पूछ सकते हैं कि अगर आपके घर में आग लगे तो आप उसको कैसे खत्म करोगे, क्या उसका मेथड होगा, तो आपने यहाँ से पढ़ लेना है। देन बच्चों केमिस्ट्री एज कैरियर इन इंडस्ट्रीज, ठीक है, यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ कि डिफरेंट जो केमिस्ट्री के कैरियर्स हैं कि उनके इंडस्ट्री में क्या रोल है, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए कि अगर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट है उसका इंडस्ट्री के अंदर क्या रोल है, वो क्या कर रहा है, वो फार्मासिस्ट के तौर पे काम कर रहा है, टीचर के तौर पर काम कर रहा है, क्या कर रहा है, तो यहाँ पर उन्होंने सारे पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताया, फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बताया, ये मेन ब्रांचेस हैं किस चीज़ की, केमिस्ट्री की। उसके बाद बच्चों हमारे पास आता है गुड कम्युनिकेशन स्किल्स एंड प्रमोटर्स के लिए, आप इसको पढ़ सकते हो, बेसिकली ये आपको उन्होंने यहाँ पर बताया हुआ है कि किस तरह अप्लाइड केमिस्ट्री को कहा जाता है, कि अप्लाइड केमिस्ट्री के अंदर हम किस तरह हमारे पास जो कम्युनिकेशन होती है वो कितनी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, आप कैसे अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो और कितनी नेसेसरी है अपने वर्क को रन करने के लिए। देन बच्चों की पॉइंट्स आपने मिस नहीं करने हैं, कॉन्सेप्ट डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार कह रही हूँ मिस मत करना, इसमें से अक्सर क्वेश्चन आ जाते हैं। देन बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आपने लाजम करने हैं और एक्सटेंसिव क्वेश्चन भी आपने लाजम करने हैं। ये कंप्लीट हो चुका है आपका चैप्टर नंबर 16, मींस कि आपकी केमिस्ट्री 10 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आई होप सो कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी इसकी। अब हम चलते हैं मोस्ट रिपीटेड पास्ट क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों पास्ट रिपीटेड क्वेश्चन है हमारे पास, देख लेते हैं, गेस्ट पेपर भी है, देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन, हाउ NHCl3 कन्वर्टेड टू N2CO3, ठीक है, ये आपका सोलर प्रोसेस के अंदर क्वेश्चन है, पार्ट है उसका। डिफाइन फ्रैक्शन डिस्टिलेशन, नेम द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द सॉल्वेंट प्रोसेस, ठीक है, अभी बताया मैंने आपको, व्हाट इज रोस्टिंग एंड हाउ इट इज डन, डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ द पेट्रोलियम, हाउ स्लैग एंड मेटल इज रिमूव्ड फ्रॉम द ब्लास्ट फर्नेस, राइट ऑन द नेम्स ऑफ फोर फ्रैक्शन ऑफ द रेसिडुअल ऑयल, नेम द वेस्ट मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। देन हमारे पास है, हाउ मेनी स्टेजेस आर इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन हाउ मेनी फ्रैक्शंस क्रूड ऑयल इज सेपरेटेड, व्हाई स्मॉल अमाउंट ऑफ कोक इज रिक्वायर्ड इन द स्मेल्टिंग प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच पेट्रोलियम फ्रैक्शन इज यूज्ड इन द ड्राई क्लीनिंग, व्हाट इज गैसोलीन, गिव इट्स यूजेस, देखो अभी आ गया ना गैसोलीन का, उसके यूजेस, इस तरह डिफरेंट हमारे पास जो रेसिड्यूअल प्रोडक्ट्स हैं पेट्रोलियम के रिफाइनिंग के वो आ सकते हैं। डिस्क्राइब द डिफरेंस बिटवीन द डीजल ऑयल एंड फ्यूल ऑयल, व्हाट आर मिनरल्स एंड ओर्स, राइट द नेम्स ऑफ कॉपर ओर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डिफाइन गैंगियन एंड मेटल ग्रीन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रेविटी सेपरेशन एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक सेपरेशन, ये आपके गेस्ट पेपर है 2020
24 के हवाले से, चैप्टर नंबर 16 का, इसको मैं अपने वर्ड्स प्लान के ऊपर शेयर कर दूंगी, आप वहाँ पर इसको रख सकते हो, ठीक है, अपने मोबाइल के अंदर सेव कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी चीज़ समझ नहीं आ रही है, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई टू रिप्लाई एवरी वन इंशाल्लाह। तो बच्चों कल मिलते हैं एक नई लेक्चर वीडियो के साथ, अब तक के लिए फी अमान अल्लाह।